हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुषमा व्लॉग में। तो दोस्तों, आपको बताया था मैंने कि कल मैं ओखी मठ में आ गई थी अपने दोस्त के घर पे। तो ये पीछे देख सकते हो आप, यहाँ नीचे ये ओखी मठ है। तो अभी मैं ओखी मठ में हूँ। तो ओखी मठ में यहाँ नीचे है ओमकारेश्वर मंदिर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओमकारेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के 41 किलोमीटर आगे ओखी मठ पड़ता है, वहाँ है ओमकारेश्वर मंदिर। और इधर भगवान केदारनाथ जी की और भगवान मद्नेश्वर जी की डोली 6 महीने के लिए इधर आती है शीतकालीन में, क्योंकि ऊपर साइड बर्फ़ गिर जाती है, तो वहाँ उनका पूजा पाठ पॉसिबल नहीं है। बर्फ़ गिरने पे वहाँ रहते नहीं है ना लोग, तो 6 महीने के लिए डोली इधर आ जाती है। तो 6 महीने यहाँ पूजा पाठ होता है भगवान जी का। तो 6 महीने अब यहीं भगवान जी का पूजा पाठ होगा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और जहाँ मैं हूँ अभी ओखी मठ में, यहाँ का नाम ओखी मठ क्यों पड़ा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाणासुर की पुत्री थी उषा और श्री कृष्ण जी के पुत्र पौत्र यानी कि पोते, श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध। तो उन दोनों की, उषा और अनिरुद्ध की, विवाह स्थली है ओखी मठ, जो मंदिर है अभी नीचे वहाँ उनका विवाह हुआ था। तो उसी वजह से यहाँ का मतलब ओखी मठ का नाम पहले था उषा मठ, तो उषा मठ से बदल कर यहाँ का नाम ओखी मठ रखा गया। तो अभी हम नीचे जाएंगे, आपको पूरा बताने वाले हैं, डिटेल में पूरा मंदिर घुमाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, मैं पहले भी आ रखी हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये ब्लॉग, क्योंकि मुझे भी ये मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ मैं भगवान केदारनाथ जी के दर्शन भी करने वाली हूँ, जो कि मैंने पिछले साल ही किए थे। तो भाई मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। भगवान मद्नेश्वर जी के भी दर्शन हो जाएंगे, भगवान केदारनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अभी हम सुबह जल्दी उठे हैं, क्योंकि अभी हमें अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, और आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन करा लेंगे, फिर चलते हैं नीचे। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर में, और कसम से इतने ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं ना, चला नहीं जा रहा, इधर सीढ़ी सीढ़ी है ना, तो बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा, लचक लचक के चल रहा है, देखो पकड़ पकड़ के इतना दर्द कर रहा है ना। तो दोस्तों, मंदिर में चलते हैं नीचे, पता नहीं कितने देर में पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए नीचे ऐसी है ना सीढ़ी सीढ़ी, और ऊपर आते टाइम तो और ही ज़्यादा आफत आएगी। तो नीचे चलते हैं, मंदिर में मिलता है आप लोगों को सीधे। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर जी के मंदिर में, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ अंदर हम गए हुए थे, तो यहाँ हमने पूरे पंच केदार के दर्शन किए हैं, केदारनाथ जी के, रुद्रनाथ जी के, मद्महेश्वर जी के, तुंगनाथ जी के और कल्पेश्वर जी के, सबके पंच केदार के हमने दर्शन किए हैं। और मैं बता नहीं सकती, यहाँ आके आप पूरे पंच केदार घूम सकते हैं, बस यही कहना चाहूँगी। तो आप जब भी आना होगा तो यहाँ ज़रूर आना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। और अंदर हम गए थे, वहाँ फ़ोटोशूट वगैरह अलाउड नहीं था, तो वहाँ उषा जी और अनिरुद्ध जी का विवाह स्थली है, जैसे बेदी होती है ना जहाँ फेरे होते हैं, तो वहाँ अंदर है वो, तो बहुत ही खूबसूरत था वहाँ भी। और वहाँ हमने विश वगैरह मांगी और अपनी मनोकामना मतलब मांगी। तो आप लोग भी आओगे तो आपको भी बहुत खूबसूरत लगेगा यहाँ। और यहाँ पूरी जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है, मद्महेश्वर जी की डोली आने वाली है 22 को, तो यहाँ देख सकते हैं आप, फूलों से पूरा सजाया जा रहा है। अभी तो इधर इधर सजाया, तो पूरा इधर इधर अभी माला वगैरह बन रही थी, तो यहाँ पूरा सजाया जाएगा पूरे मंदिर को। और
बता नहीं सकती यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है। फिर चलते हैं, अब लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है हमें। तो दोस्तों अभी मैं नीचे आ गई मंदिर से, मतलब ऊपर मंदिर है, यहाँ पे मंदिर के आंगन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब केदारनाथ जी की डोली आती है तो यहाँ पे केदारनाथ जी की डोली स्थल है, यहाँ पे केदारनाथ जी की डोली रखी जाती है, पूजा व पाठ किया जाता है। और ये देख सकते हैं पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए पूरा फूलों से सजाया जा रहा है। और अब चलते हैं, मेरे दोस्त लोग तो नीचे चले गए, कब से आवाज़ लगा रहे हैं मुझे। और भगवान जी कसम से यार, मेरा जब मैं ऐसे मंदिर वगैरह में आती ना, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बस अब जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर भी जाना है, लेट हो गए हैं। और बाहर से तो आपने देख ही लिया है कितना खूबसूरत है मंदिर पूरा, ये देखिए। तो मंदिर से ऊपर आ गए हम लोग और थक गए बहुत, बहुत थकान लग चुकी है। और ये जो रास्ता है पुराना रास्ता है और इस रास्ते से बहुत कम लोग आते हैं। अब ये रास्ता ऊपर मार्केट में खुलेगा और फिर हम घर के लिए पहुंच जाएंगे। थकान लग गई बहुत साला, ये उकाल पीछा क्यों नहीं छोड़ता वे पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार, सही में जब से बस आ रहे उकाल ही उकाल चल रहे हैं। यहाँ भी बहुत, देखो यहाँ नीचे से ऊपर ये गाइस हम जा रहे हैं उखीमठ से रुद्रप्रयाग की ओर। हम नहीं, हम जा रहे हैं, तू नहीं आ रही है ये हमको छोड़ने आ रही है बस, खुद भी लग रही हमारे दो टंकी बाद मैं कहीं खुद नहीं लग रहा। वाह वाह, ओ ठीक वेगी वेगी बंद कर दे, क्या दे चलो ठीक है, वाह राजी खुशी, वाह ठीक 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 रोए ना आ जाना, ठीक 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 चलो ठीक है फिर गाड़ी में बैठते हैं। बेचारी को बहुत ज्यादा गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बेचारी को बहुत खुद लग रही हमारी। बाय खुदे ना हो, ठीक से ठीक, चलो तब फिर मिलेंगे, ओके ठीक है ठीक है, बाय खोलो यार छोटू नहीं हो, चल निकल यहाँ से। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में पहुंच गए और हालत इतनी खराब हो रही थी ना, सर में वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं बन रही, हाथ पैर इतना दर्द कर रहे हैं क्या बताएं। अब रुद्रप्रयाग से बैठते हैं सीधे अपने घर की गाड़ी में 17 साल की और सीधे निकलते हैं घर को। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई यार, सही में क्या बताऊँ, कैसी और क्या हालत, बहुत खराब सही में, पेट भी दुख रहा है साइड से, पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, क्या बोलो अब। तो अभी मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं अब सीधे आपको 17 साल मार्केट में मिलूँगी, बाय बाय। तो दोस्तों फिर से मैं पूल से वीडियो बना रही हूँ अभी हम स्कूल से जा रहे हैं घर के लिए, तो जिधर हमारी गाड़ी लगती है गाँव की, तो बस अभी वहीं जा रही हूँ। और ये देख लीजिए रुद्रप्रयाग का पुल, आपने देखा नहीं होगा कभी तो देख लीजिए, ये है हमारा रुद्रप्रयाग का पुल, इसी पुल से हम इधर उधर जाते हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी लगी, फिर गाड़ी में बैठ रहे, बाय बाय। तो दोस्तों अपने गांव वाली रोड में आ गए हैं, थोड़ा सा ही जाना है घर के लिए। और चेहरे पे देख सकते हो कितनी थकान है, बहुत ही ज़्यादा थकान लगी, घर जाके सीधे सोने वाली हूँ अब चैन से। और दोस्तों आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, ओमकारेश्वर मंदिर जी के दर्शन करके आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट करा आप लोगों के लिए। मैं तो गई थी, पहले भी गई थी, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस ब्लॉग के थ्रू आपको ओमकारेश्वर भगवान जी के भी दर्शन करा लिए। हालांकि अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से मंदिर के दर्शन कर लिए, यही बहुत बड़ी बात है। और चलते हैं फिर दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है फिर, बाय बाय।